प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर के पावन दरबार से 9 अप्रैल दिन शनिवार को दोपहर 2 बजे श्री देवीतला मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से शहरवासियों के सहयोग से श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा संत समाज की अध्यक्षता में निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा को भव्य रूप प्रदान करने के लिए एक मीटिंग दैनिक सवेरा भवन जालंधर में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवीतला मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल विज और महासचिव राजेश विज की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें शहर की सभी मंदिर प्रबंधक कमेटियों, सामाजिक संस्थाओं व धार्मिक कमेटियों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मीटिंग में महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 महंत गंगादास जी महाराज, 1008 महंत केशवदास जी, बाबा राजकिशोर और पंडित गुलशन शर्मा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर आए हुए श्री राम भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। इस दौरान आए हुए सभी कमेटी सदस्यों ने इस शुभ यात्रा को पॉल्यूशन फ्री बनाने व भव्य रूप प्रदान करने के लिए अपने सुझाव भी दिए। सभी पदाधिकारियों ने इस शुभ यात्रा में सैकड़ों श्री राम भक्तों सहित भाग लेकर इस शुभ यात्रा को भव्य रूप प्रदान करने का ऐलान भी किया। इस अवसर पर दिनेश शर्मा, विजय खुल्लर, राकेश लोच, स्वर्ण यादव, ओम प्रकाश लोच, रतनलाल बसन, महेश पाल अंगुराल, एडवोकेट कमल सचदेवा, प्रदीप खुल्लर, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा, मनीष शर्मा, अश्विनी शर्मा, संजय कोछड़, यशपाल ठाकुर, पवन मेहता, तरसेम कपूर, कमल किशोर सिक्का, गुरुदत्त शिंगारी, केवल कृष्ण चोपड़ा, भूषण कोहली, सुभाष ढल, विक्रम कौशल, संदीप शुक्ला, अजय लाली, संजय कोछड़, विक्की ढल, श्यामलाल चड्डा, विपन चड्डा, बब्बी किशन चंद, राकेश मल्होत्रा, सुरेंद्र बग्गा, अनिल कोहली, प्रीतम चंद सैनी, विनोद शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्री राम भक्त मौजूद रहे। शक्तिपीठ देवीतला मंदिर विश्वमुखी त्रिपुर मालिनी मां के दरबार से सारी संगत, सारे समाज ने हमारे प्रमुख सेवादार शीतल विजय, राजेश विजय, परविंदर बैल जी एवं सारी संगत, सारा समाज, आज दैनिक सवेरा के इस पंडाल में बैठ करके, ये मैं मीटिंग भी नहीं कह सकता, ये हमारा परिवार है। आज कहते हैं कि शोभा यात्रा 9 तारीख को निकलेगी। शोभा यात्रा तो हमारी जिस दिन मां त्रिपुर मालिनी का मेला था, सारे शहर ने, सारे पंजाब ने मंदिर प्रबंधक कमेटी के साथ एकत्रित होकर के उस दिन से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये तो एक परिक्रमा है और वैसाखी तक मंदिर में रोज ही शोभा यात्रा जो है निकाली जा रही है। लेकिन ये जो हमने परिक्रमा निकालनी है, अष्टमी वाला दिन, मां भगवती का दिन, और उस दिन देवीतला मंदिर से संत समाज, ब्राह्मण समाज, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सारी संस्थाओं से, सारे मंदिरों से आए हुए जितने भी मंदिरों के पदाधिकारी हैं, ये प्रधान जी का, शीतल जी का हुक्म है कि एक एक मंदिर में जाकर प्यार भरा एक संदेश, वैसे तो जाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि हमारा ऑल्ड वर्ल्ड में एक शक्तिपीठ मंदिर है। लोग कितनी कितनी दूर से माथा टेकने आते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। विश्वमुखी जिस स्थान पर शक्तिपीठ मां का एक पिंडी के रूप में विराजमान है, और किसी स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं सभी बहनों भाइयों को, समाज को हलचल माध्यम के द्वारा और दैनिक सवेरा नेटवर्क, ये भी मेरी बात सुन लो, जिन्होंने लवाया नहीं
ये भी जरूर लगाएं। धार्मिक है आज पंजाब में है, ये एक इंटरनेशनल चैनल बनेगा और शीतल जी अपने पिता स्वर्गीय श्री बसंत प्रकाश जी का नाम रोशन किया है और आगे भी करेंगे। ये एक ब्राह्मण के नाते, बेशक मैं छोटा हूं लेकिन ब्राह्मण के नाते मेरा एक आशीर्वाद है। ये मेरी जो संस्था है देवी तला की, देखो रोज काम हो रहे हैं, लेकिन इसीलिए आज ये जो एक बैठक कर रहे हैं चार सज्जन, शीतल जी ने बुलाया है कि चलो चाय पानी पिए, राम नाम का सिमरन करें। ये दैनिक सवेरा में जहां राम नाम का सिमरन हो जाएगा, ये दैनिक सवेरा भी हमारा और पवित्र हो जाएगा। घर घर में जैसे नाम, आज जहां पर नाम ले रहे हैं, मैं बहुत बहुत शीतल जी आपको बधाई देता हूं, आपके परिवार को, बानी बहन को, आपके बच्चों को, बहुओं को, पोते पोतियां, जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं, मैं स्वर्गीय श्री बसंत प्रकाश जी का जो नाम आपने ऊंचा किया है, मैं आपको बधाई देता हूं। भगवान आपकी 9 निधियां और 12 सिद्धियां करे, फैनूस बनकर हिफाजत जिसकी खुदा करे, वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। देखो तुहानू किन्ना नीवा करन दी कोशिश कीती, और जिन्ना तुसी नीवा कीता लोकां ने, अज आकाश दीयां बुलंदियां ते गुरबाणी विच भी शब्द लिखे है, मन नीवा मत उची। मन तुसी अपना नीवा रखिया, अज तुसी आकाश दीयां बुलंदियां दे उत्ते हो, इसे तरह दे नाल तुहानू रंग लगे रहन, चढ़दियां कला होने। और राजेश जी, परविंदर बैल जी, ललित जी, सारे जिहड़े सज्जन अज आए आ, मैं सारिआं नूं बहुत बहुत मुबारकबाद देना। उपस्थित सभी राम भक्तों को जय श्री राम। संपर्क अभियान कमेटी जब हमारे श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर पधारी थी, तो इस बार थोड़ा प्लान चेंज इन्होंने बताया था कि शोभा यात्रा में ज़्यादा झांकियां, टेम्पू, ट्रालियां नहीं होंगी, एक ही भव्य रथ बनाया जाएगा। सो मेरा अनुरोध है प्रबंधक कमेटी से कि जो रथ, जो पालकी बने, वो ऐसी लौकिक बने कि जहाँ जहाँ से भी रास्ते से निकले लोग उसको देखते रहे, इतनी मनमोहक हो कि हर का मन करे कि साथ साथ ही चलते जाए जब तक पूरी यात्रा चलती जाए। दूसरा, जो हम पटके देते हैं वहाँ पे जब संगत पहुँचती है, वो जो पटके है ना वो फिसल जाते हैं। जब इस बार है सारा पैदल चलने का कार्यक्रम, तो थोड़ी कॉस्ट बढ़ेगी। वो पटके अगर कॉटन के हो जाए ना 1-1.5 मीटर के, तो मोटे से गिरते नहीं, वो साथ साथ पहन के चला जाएगा। यही मेरी सुजेशन है, बाकी सब अच्छी लगे तो ठीक है। हम सबका फर्ज है कि भगवान राम के हम सब अनुयायी हैं, उसका जो जन्म दिवस हम शोभा यात्रा के दिन में मना रहे हैं, सब अपने अपने परिवार के साथ, अपने कमेटियों के, संस्थाओं के साथ मिलकर चले। धन्यवाद। श्री राम भक्तों, आज हम दैनिक सवेरा के इस पवित्र हाल में, जहाँ पर श्री राम के जयकारे लग रहे हैं, यहाँ एकत्रित हुए हैं कि जो हर साल की तरह हम शोभा यात्रा जलंधर के इस पवित्र जो शहर है हमारा, जहाँ पर सिद्धपीठ श्री देवी तला में बैठी माता त्रिपोलनी माता का मंदिर है, जिसके लिए लोग, मेरा बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाना होता है, आपको मैं सच बोलता हूँ कि लोग वहाँ पर एक ऐसी सोच करते हैं कि हमने माँ के दरबार में माथा टेकने जाना है, जलंधर में सिद्धपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में। इसको जो चार चांद लगाए हैं, जो हमारे मुख्य संपादक हैं शीतल विज जी दैनिक सवेरा के, उनके साथ राजेश विज जी, बैल साहब और सभी देवी तालाब परिवार के जितने भी यहाँ पर मेम्बरान उसके सदस्य आए हैं, वो सभी का हम स्वागत करते हैं सिद्धपीठ श्री देवी तालाब मंदिर की ओर से। हर साल की तरह जो शोभा यात्रा है, इस बार इसको पद यात्रा का नाम दिया गया है। शोभा तो बहुत होगी, आप लोगों ने चारों तरफ, हम जिधर से भी निकलेंगे हर गली हर नुक्कड़ पर बड़े बड़े लंगर होंगे, बड़े बड़े लोगों ने अपनी सजावट की होती है,
वो इस दिन का इंतजार करते हैं, पूरे संसार में लोग इस दिन का इंतजार करते हैं कि कद वो दिन आएगा जदों सिद्ध पीठ श्री देवी तलाब मंदिर तो एक शोभा यात्रा निकलेगी। ये देखन योग्य होंगी है शोभा यात्रा। 15 साल पहला मैं गीता मंदिर अर्बन स्टेट फेज 1 नाल जुड़िया सी, मैनू आशीर्वाद दिता शीतल विज जी ने, एक लड़ी बना रहे सीगे हिंदुओं नू एक जुट जोड़न दी। वो लड़ी दे विच असी भी जुड़े, वो देखते ही देखते इन्होंने लखों करोड़ों भगत जिहड़े हैगे है उस लड़ी दे विच पिरो दित्ते। उहदे लई इह बहुत ज़्यादा इन्हां दी असीं तारीफ करते हैं, इन्हां दा असीं धन्नवाद करते हैं। एक बारी ताड़ियां मार के इन्हां दा, इस महापुरश दा जिन्हें अपना सारा बिजनेस काम कार छड़ के माँ दा दरबार चुनिया और उत्थे ही बैठ के पूरे संसार दे विच जिहड़ी शोभा यात्रा निकलदी, जो काम धार्मिक हुंदे है वो कीते। दैनिक सवेरा असी सोचते सी यार कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि साडे हिंदुओं नू साडे धर्म नू कोई प्रमोट करे, सानू कोई प्रमोट नहीं सी करदा। वो सामने बैठे ने शीतल विज जी, इन्हां ने सानू अखबार दे उत्ते वड्डे वड्डे पेज दिते, साडे घर पहुँचते है और सारे बंदियां नू पता लगता कि केड़ा धार्मिक प्रोग्राम कद आ रहा कदों होना हैगा। उहदे लई भी इह बहुत ज़्यादा प्रशंसा दे पात्र ने, उहदे लई भी ताड़ियां बजाओ। हलचल दे उत्ते कदी सुनिया सी, और मैनू हुण दस रहे है खुल्लर साहब कि तुहाडी चल रही ऐड बे मंदरां दी ऐड चल रही है, जो असी बोल रहे भी चल रहे आ, वो पूरी दुनिया च लोकी देख रहे है, वो किहदे कारण देख रहे है, यह बैठे है मेरे नाल। हुण आ गया डिश टीवी, ये डिश टीवी आम डिश टीवियां दे लई केवल नैटवर्क वो नहीं है, एक स्पैशल नैटवर्क है। इहदे विच 70-80 जिहड़े वड्डे वड्डे मंदर है लाइव ने, वड्डे वड्डे गुरुद्वारा साहब लाइव ने, नकोदर हर जगह जिथे तुसी नाम लोगे तुहाडे घर वो चैनल आएगा। इन्हां ने ऐसा कम कीता हैगा कि किसे भी धर्म नू मनन वाला बंदा एक कदी नहीं सोचेगा कि यार मैनू दर्शन हो रहे हैं, चाहे वह निरंकारी ने, चाहे वह राधा स्वामी ने, चाहे वह लाडी शाह नू मनन वाले ने, चाहे देवी तलाब मंदिर है, चाहे कोई गुरुद्वारा, सारे बंदे तुहाडे घर जिन्हों तुसी मनदे हो अपने टीवी ते देख सकते हो। इनू प्रमोट करो, जिदा आपां कुछ साल पहला दैनिक सवेरा अखबार, मैनू खुद पता है कि 400-500 बंदा मैं अर्बन स्टेट च लगाया, ठीक है, और उहदे नाल अज दैनिक सवेरा अखबार साडी घर घर दी शान है, उत्थे साडा धर्म जिहड़ा हैगा दिखाया जांदा। असी इन्हां दे बहुत ही इन्हां दे धन्नवादी हैगे हैं जिन्हां ने काम कीता। शोभा यात्रा च सारे जने आओ मंदिर, इन्हां ने कहा आया करो मंदिर, आशीर्वाद लिया करो मंदिर, नहीं भी आना तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लैके निकलिया करो घरों, तुहाडे सारे काम पूरे हो जाएंगे। यही मैं भाषण, यही मैं स्पीच दिना हैगा। जे मंदिर नहीं भी जा सकते कोई नहीं, जे माँ प्यो है नहीं तो वड्डा भरा हैगा, वड्डी भाभी हैगी है, उन्हां दा आशीर्वाद लैके निकलो, तुहाडी त्रिपुलनी माता सारे काम पूरे करेगी। तुहाडी हाजरी सिद्धी सिद्ध पीठ श्री देवी तलाब मंदिर दे अंदर लगेगी। मैं ज़्यादा टाइम तो बहुत लै सकदा, बट मैं राजेश विज जी का, शीतल विज जी का, आए हुए अपने परिवार दे देवी तलाब परिवार दे सारे मैंबरान दा, परिवार दे सदस्यों दा बहुत बहुत धन्नवादी हैं। तो तुसी 9 तरीक नूं हुम हम आके नवे नवे कपड़े पा के जिदा मामे की कुड़ी दे विआह जाईदा इदा सज धज के अज ही ड्राई क्लीन करा लो, और अपने गले च अपने हाथ च झंडे फड़ के आपां गली गली अपने जलंधर जिथे देवी तलाब मंदिर दी अपनी सिद्ध पीठ है आपां निकलीए और भगवान श्री राम का आशीर्वाद लईए, माँ त्रिपुलनी माता का आशीर्वाद लईए, साडे सारे कारे पूर्ण होन, और शीतल विज जी नूं इन्ना आशीर्वाद लगे कि इन्ना काम कर देन कि आने वाली जिहड़ियां पुस्तां हैगियां वह भी याद रखन कि शीतल विज जी ने कुछ हिंदू समाज लई, कुछ अपने दूजे समाज लई ऐसे धार्मिक कार्य कीते जो नहीं कोई कर सकता, जो नहीं कोई कर सकता। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राम।
श्री देवी तलाब मंदिर कमेटी के प्रधान श्री शीतल वीर जी, जनरल सकत्तर श्री राजेश वीर जी, परमिंदर बैल जी, तो अलग अलग मंदिर कमेटियां दे आए प्रधान सैकटरी ते मैंबर साहबान, खास करके साढ़े जवाहर सहगल जी बैठे, पाठक जी बैठे, इन्हों बधाई भी देवे क्योंकि ये चिंतपुर्णी मंदिर के प्रधान बने, साढ़े पुराने परिवारिक सदस्य है साढ़े, तो इन्हों भी अच्छ शमूलीयत हुई है। इन्हों खास करके इन्हों की तरफ तो मैं इजाजत लैके बधाई दिना। जिथे तक शोभा यात्रा का सवाल है, देवी तलाब मंदिर की जी शोभा यात्रा, ये मैं अगे भी कई बार कहा, यदा जी उपमा है, ये कल जलंधर या पंजाब च नहीं, सारे हिंदुस्तान बाहरले कंट्रिया तक हैगी। मैं दसिया कि साढ़े को कई ऐसे ट्रांसपोर्टर आते जेडे रात में बसा लैके देवी तलाब रुकते, तो जाके वैष्णो देवी उन्होंने जाना हों, और जा गुजरात में गया अपनी बच्ची को, तो उत्थे जाके कहन कहने उधर तलाब मंदिर है, एक जलंधर में तलाब मंदिर, मैं कहा दिल्ली देवी तलाब, हाँ उधर देवी का मंदिर भी है, कहता भाभी वो इन्नी कहते जब शोभा यात्रा होती, कहते इतनी दुनिया उधर आती, इतने इतने कहते भगवान राम के जो स्वरूप रामायण में थे वो पहुँचते, उन्हें देखे उन्हें कहता भावे एडे एडी वड्डिया शख्सियतों को बुलाना करना, संगत नाल जोड़ना, ये शीतल वीर जी का ही सारा परोपकार आ, इन्हों का असं धनवादी हाँ, जिस समाज में इन्होंने बहुत व्डा नाम दिता, सारे संगठनों कट्ठा करके लैके चलना बहुत औखा, एक परिवार के चार मैंबर हो, किसका मूँह उधर होंगे, किसका उधर, ये सारी कमेटी को नाल लैके सारे जलंधर के बाकी मंदिर धार्मिक संस्थाओं नाल लैके जड़े चलते, ये शोभा यात्रा का एक बड़ा व्डा प्रतीक है। समझना चाहिए कि इन्होंने जोड़ा झंडा चुकया असी इन्हों के नाल जुड़े, तो साड़ी इन्हों नाल ही शान है, ये कोई दिखावा नहीं है, जब दिखावे से खुश कर दो लफ्ज नहीं बोल रहे, ये दिल बोल रहा, दिल अंदर आत्मा की फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट जो वर्ड निकल रहे वो सच्चाई है, क्यों इन्होंने जो भी जो जिस काम का बेड़ा चुकया उन्होंने पार ला के पिछे हटे है, एडे एडे व्डे जोड़े उपराले इन्होंने देवी तलाब पंदर कमेटी, इन्ह दाहवें भी स्ट्रोंोंग है, राजेश वीर जी होए, परमिंदर बैल जी होए, ललित गुप्ता जी, सारे मैंबर सभा जिन्हें भी कमेटी के आ भी इन्होंने चुन चुन के एक हीरे नाल जोड़े आ, तो इन्हों का ही उपराला कि सारी एक अच्छी टीम बनी है, परमात्मा करे, मैं तो ये बेनती करा यहोजी टीम सारे मंदिर च आन, ताकि जलंधर एक स्वर्ग जरा बनया वो दृश्य बने कि जलंधर वाकई जे शीतल वीर जी ने हिंदुआ की कमान संभाली सी, देव मंदिर की कमान संभाली सी, इन्होंने 400 तो वध मंदिर पंजाब इन्होंने नाल जोड़े आ इस संस्था के नाल देवी तलाब के, तो वह भी एक बहुत व्डा। फिर चैनल की गल, चैनल भी पंडित ने बड़ी तारीफ की, गुप्ता जी ने अपना राजेश अग्रवाल जी ने भी बड़ा दसिया, ये वाकई एक बड़ा व्डा उपराला। एक दिन मैं इन्होंने प्रधान जी ने गल कर रहे, कहते कितने, मैं कहा मैं घर बैठ, कहते सोमनाथ टैंपल देख रहे, मैं कहा मैं दूसरा चैनल तुहाडे देख रहा, कहते सोमनाथ इस नंबर से ला के देखो, वाकई सोमनाथ के लाइव दर्शन हो रहे, किड्डे किड्डे चैनल वाक, कभी असी उन्होंने अपना मंदिर दर्शन लाइव किए नहीं सी जिथे तक इन्होंने सू पहुँचाता। बहुत बहुत बधाई होवे। और अज मैं एक लाइन पढ़ रहा, लिखा दैनिक सवेरा, अंधेरे से उजाले की ओर, असी 2 साल अंधेरे जी रहे हैं कोविड के कारण, जिहड़ा कि आई भगवान राम दी साडे लोगों के हिंदुस्तानियों से बहुत वड्डी कृपा, जिंदे करके असी अज सारे जने इत्थे बैठे हैं और इस काबल होए हैं कि असी अज फिर शोभा यात्रा कढ़न जा रहे हैं। ये साढ़े उत्ते परमात्मा का बहुत वड्डा एक हाथ है हिंदुस्तानियों के, खास तौर पर कि आप एडे वे क्राइसिस चो निकले हैं। और मैं देवी तलाब मंदिर कमेट प्रबंधक कमेटी जिहड़ी कि शहर की सब तो अच्छी कमेटी है, तुसी देखो देव मंदिर का किन्ना विकास होया श्री शीतल वीर जी करके, और मैं उन्हें सारे नूं वधाई दिना कि आपां एक हिंदू धर्म नूं जोड़न लई अज्ज देखो आपां एक दुबारा फिर उपराला कीता, कि जिहदे लोकी कहिंदे 2 साल बाद ठीक है यार बैठो अपने अपने घरां च, बड़े बंदे इत्थे कहिंदे हुणे वी यार ठीक है यार आपां बड़ी देर हो गई बैठे हां हुण घरां च ठीक है, लेकिन अज लोगों का उत्साह है भी आप 2 साल बाद फिर शोभा यात्रा कढ़न जा रहे हैं, और परमात्मा ने सानू इस काबल रखिया कि आप एक पद यात्रा कर रहे हैं। शीतल वीर जी दे बहुत वड्डी कृपा है महामाई की, कारण की है भी बहू जी जो देवी तलाब मंदिर तो चलते पैदल पैदल ही चलते, अगे भी चल के तो वापस देवी तलाब मंदिर पहुँचना आम बंदे तो वसदा नहीं, लेकिन यह सिर्फ एक महामाई का एक आशीर्वाद इन्हों के उत्ते भी जोड़ा ये इदा चल के उत्थे पहुँचते हैं। और मैं अपने चमुंडा देवी श्री सेवक संघ वालों असी एक कंपनी बाग चौंक जलंधर धर्मशाला से बनाई चमुंडा देवी जो तो भी वीर साहब को आए हैं उदों ही इन्होंने साड़ी पूरी तरह इन्हों ही देन है शुरुआत तो ही, और असी एक कंपनी बाग चौंक एक लंगर लगा रहे हैं जिंद हर साल की तरह, और मैं सारे शहर वासियों अपील जरूर करूँगा भी एक आप बद चढ़ के भाग लीए, हिंदू धर्म है तो असी है, अदरवाइज कुछ नहीं। जय माता दी, जय श्री राम। जिस काम लिए आप आए हाँ ये व्यर्थ नहीं जाएगा कदे भी, और
ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿਜਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਵਾਂ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਬੜੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਐਤਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਸ਼ੀਤਲ ਵਿਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਔਫਿਸ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਲਈ ਚੱਕਿਆ ਵਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਲਗਾਇਆ, ਅਗਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਇਆ ਔਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਮੰਗਲ ਕਾਮਨਾ ਵਾਂ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵਤਾ ਮੰਦਿਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿਜ ਜੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਵਿਜ ਜੀ ਔਰ ਪਨਾਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਮ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਕਰੂਪ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਕਰੂਪ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਸੜਕ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਕੰਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆਲਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਾਵਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਨਾਤਨ ਸਮਾਜ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਸਨਾਤਨ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸਨਾਤਨ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਿਲਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆਈ ਤਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਝਾਂਕੀਆਂ ਔਰ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਜ 4ਵੀਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਸਾਡੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਡਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ।
इन्हां शब्दों का मैं सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद भी करदा और तुहानूं लख लख बधाई भी दिंदा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सब नूं पहलां तां धन्नवाद सारिआं दा, महानुभावां दा जिन्हां ने सानूं इत्थे आउण दा मौका दित्ता जी। देवी तलाब प्रबंधक कमेटी ते राम भगतां दा सब दा धन्नवाद। ते असीं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय वल्लों वध चढ़ के इस शोभा यात्रा विच भाग लैण दा आश्वासन दिंदे हां जी। जय माता दी, जय माता दी। देवी तला तो निकल रही श्री रामनौमी शोभा यात्रा लई पहला तो देवी तला के सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई। महाराणी इस तरह ही इन्हां नूं शहर के काम लई, सहयोग लई, धार्मिक कामां लई बल दिंदी रहे, जो कि धर्म के कामां च बढ़ चढ़ के हिस्सा लैन। मैं अपने वल्लों, अपने प्रधान श्री शादी लाल जी धीर वल्लों, अपनी संस्था श्री चमुंडा नंदी कश लंगर समिति वल्लों आश्वासन दवाना, हर साल जिस तरह साडा अगे जेल के सामने लंगर ते एक सम्मान समारोह हुंदा, वो हर साल की तरह इस साल भी होगा। दो साल असी पिछड़े रहे, पता नहीं साडे ते किहड़ी करोपी सी, वो महाराणी ने कृपा की है, द्वारा तो असी सारे जुड़े गए हैं। इस गल लई सारे ही बधाई दे पात्र है। मेरा तो इन्ना विश्वास है उस दरबार के नाल, माँ त्रिपुरी मालिनी के दरबार के नाल, उस जोत के नाल अज तक भी जिहड़ा जुड़िया वो कभी पिछे मुड़ के नहीं देखिया। बट वो नीयत साफ हो, जिहदी नीयत साफ है उस दरबार च बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। महारानी सारे दियां झोलियां भरन। जय माता दी, जय माता दी। साडे बहुत ही पूज्य आदरणीय श्री शीतल वीर जी, राजेश वीर जी, जिन्होंने बहुत अच्छे प्रयास किए आ और सारी कमेटी को लैके शोभा यात्रा का आयोजन करते आ। ये बहुत धार्मिक कामों में जुड़े हुए आ, इन्हां दा मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई दे नाल सारे लोग जुड़े हुए आ। जे कोई बंदा गलत काम करता हुंदा ते उहदे नाल इन्ने बंदे जुड़ नहीं सकते। इस करके जिहड़े इन्हां दा जे ये एक राम और लक्ष्मण की जोड़ी आ, शीतल वीर जी ते राजेश वीर जी, ਵਾਰਨਾ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੇਸ਼ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਬਾਊ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਪੂਜਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਮੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਗਤ ਕੋ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਏ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਰਾਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁੱਥੀ ਫੜੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਗਿਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਗਿਰਨ ਲੈ ਜਾਓ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਚੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੰਦਰ ਆ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ 2 ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ 1-2 ਸਾਲ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਲੈਪਸ ਰਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਨ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਵ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਪੀਠ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸੌਭਾਗਯ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੌਭਾਗਯ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਪੀਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਮੂਹਰੇ
शीश नवा के गए। ये की है, ये महामाई की शोभा है। ये देवी तलाब मंदिर प्रबंधक कमेटी जो प्रयास कर रही है, जो मेहनत कर रही है, उस मेहनत का फल है कि देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री दे कैंडीडेट, सारिया पार्टियां दे आगू सब सिद्ध शक्ति पीठ देवी तलाब मंदिर मूहरे, महामाई मूहरे अपना शीश नवा रहे हैं। शोभा यात्रा है, मंत्र आंदा है, यानी काणी च पापाणी जन्मांतर कृताणी च ताणी ताणी विनश्यन्ति परिदक्षणा हम पदे पदे। एक एक कदम दी परिदक्षणा जो असी यज्ञ दी करदे आ उहदे विच कोटि पुण्य प्राप्त हुंदा है, करोड़ों पुण्य प्राप्त हुंदे ने। और जदों असी पूरे शहर दी परिदक्षणा करनी है, पूरे शहर दे विच शक्ति पीठ भी आना है और सैकड़िया मंदिर आने ने जिहड़े उस परिक्रमा दे विच आने ने। और जदों असी पैदल चलना है तो फिर एक एक कदम पैदल चलन ते, और वह भी प्रभु श्री राम वास्ते जदों चलना है, उन्हां दा उत्सव मनाउण वास्ते जदों चलना है, तो उहदा किन्ना पुन होएगा ये वर्णन नहीं किया जा सकता। ये सारा प्रयास साडे सिद्ध शक्ति पीठ दे प्रधान और महासचिव राजेश विज जी, कल मैं गया जदों मंदिर ऑफिस दे विच देख रहा सी कि राजेश विज जी किस तरह स्वास्थ्य कहिंदे ठीक नहीं, लेकिन फिर भी मैं लगा होया मेहनत करन ते लगा होया, कादे वास्ते सिद्ध शक्ति पीठ की सेवा वास्ते, समाज की सेवा वास्ते। बैल साहब बैठे ने, पूरी कमेटी तन मन धन दे नाल जिस तरह प्रयास कर रही है, जिस तरह मेहनत कर रही है, उस मेहनत का सदका पूरे सनातन समाज को मिल रहा। और पूरा सनातन समाज जे अज पंजाब दे विच बहुत सिर चुक के बैठा है तो उहदे विच सब तो वड्डा योगदान सिद्ध शक्ति पीठ श्री देवी तलाब मंदिर प्रबंधक कमेटी का है। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ सारयां दा ही जिन्होंने अपना अपना जो भी योगदान दे रहे ने। मैं बेनती करांगा सारे ही सनातनियों के सारे ही हुम हुमा के प्रभु श्री राम दे उस जन्मोत्सव की शोभा यात्रा दे विच पहुँचो और प्रदक्षिणा करो और उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त करो। जय श्री राम। कि जिहड़ा कि वह एडा रामनौमी शोभा यात्रा का उपराला कर रहे हैं, और सब तो वड्डा मैं धन्यवाद इस करके इन्हों का कि इन्होंने साडी चिंतपुर्णी मंदिर प्रबंधक कमेटी का जिहड़ा फैंस केस बड़े चिर चो अदालत चल रहा सी उहदा फैसला इन्हां करके सफल होया। मैं इस करके ना बहुत धन्यवाद दी साडी कमेटी वालों। मंदिर के बाहर बहुत भारी लंगर लाया जाऊगा और आए हुए भक्तों का धन्यवाद। स्वर मंडित सिद्ध पीठ श्री देवी तलाब मंदिर तो प्रभु राम जी की बहुत ही सुंदर शोभा यात्रा 9 तारीख नूं निकल रही है। उस दे वास्ते मैं पारदेश्वर सिद्ध पीठ श्री गौरी शंकर मंदिर तो अपनी टीम दे नाल दैनिक सवेरा दे मुख संपादक श्री शीतल विज जी, साडे भोले जी जिन्हां नूं मैं प्यार दे नाल भोले जी कहना हाँ, राजेश विज जी, पविंदर वहल जी ते उन्हां दे जिहड़े साडे दूसरे बहुत सारे साथी, बहुत सारे मंदिरां तो आए हुए साडे सज्जण जिन्हां नूं मैं नहीं जानता, उन्हां नूं भी मैं जय श्री राम कहांगा। जय श्री राम। ते सब सज्जणां ने अपने अपने बहुत ही सुंदर विचार दित्ते ने। बहुत से साडे जिहड़े मंदिरां दे प्रधान आए ने, उन्होंने सनातन धर्म के बारे भी सानू दस्या है, अपने धर्म के बारे भी बहुत अच्छा चानना पाया है कि सानू एक सनातन धर्म की चेन बनानी है, असी अपने आप को इकला नहीं समझना, सब ने एक चेन दे विच एक मोतियां दी माला दे तरह असी मिल के पिरो के चलना है। ते श्री शीतल विज जी नू साडे जिहड़े असी बहुत वार इन्हां कोल आए हाँ, साडा कुछ प्रॉब्लम है, इन्होंने साडा बड़ा साथ दिता है ते सानू हल्लाशेरी दिती है, साडी पीठ ते इन्होंने प्यार भरा हाथ भी रख्या है, असी इसलिए भी उन्हां दा बहुत धन्नवाद करते हाँ। ते आशा करते हाँ कि अग्गों सानू कदी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो साडे पिछे खड़े ने साडे भरा बन के, असी
देवी तलाब मंदिर की इस सुंदर कमेटी का बहुत ही हार्दिक धन्यवाद करते हाँ। तो जो भी साड़ी ड्यूटी लाई जाएगी असी उसनू पहले भी पूरा किया है तो अगे तो ही पूरी करांगे। जय माता दी, जय माता। जिदा तुसी सारे ही जानते हो कज असी सारे ही देवी सिद्ध पीठ श्री देवी तलाब मंदिर के प्रधान शीतल विज जी, उन्होंने सहयोगी राजेश विज जी, तो उन्होंने नाल पविंदर बहल जी, गीता मंदिर मॉडल टाउन तो साडे वड्डे वीर विजय खुलर जी, तो उन्होंने नाल चौड़ा साहब सलील गुप्ता जी, ये सारे ही साडे सत्कारयोग हैं। असी सारे उन्हां दी रहनुमाई हेठ इत्थे इकट्ठे होए हाँ। तो तुसी जानते हो कि अज दी मीटिंग सिद्ध पीठ श्री देवी तलाब मंदिर तो निकलन जा रही शोभा यात्रा दे बारे ही है। जिवें कि सारे ही साथियों ने मेरे तो पहला कह दिता है कि असी सारे ही सिद्ध पीठ देवी तलाब मंदिर दे नाल तह दिल तो जुड़े हुए हाँ, और इन्हां दा सारयां दा सहयोग ही हमेशा श्री शीतल विज दे नाल बनिया रहिंदा है और बनिया रहेगा। शीतल विज जी दी सारे ही अपने अपने तरीके दे नाल उन्हां दी परसनैलिटी बारे गल कर रहे हैं, तो मैं जो समझदा हाँ कि उन्हां दी परसनैलिटी सारे समाज तो एक अड है। वो यही कारण है कि शीतल विज जी नूं सारा समाज ही अपने नाल लैके चलता है, और असी अपने वालों शीतल विज जी नूं ये भरोसा दिलाते हाँ कि जिस तरह भी साडी कोई ड्यूटी लाई जाएगी असी उसनूं पूरा करांगे। और कटरा महला प्रबंधक कमेटी के प्रधान श्री मदन लाल खिंदर जी, कौंसलर साहब उन्हां दे नाल, उन्हां दे चेयरमैन चौधरी परशुराम जी, तो मेरे नाल आए हुए सज्जन ओम प्रकाश लोध जी, उन्हां दे नाल बरबीर लोध जी, तो बाकी सज्जन जिहड़े हन वह सारे ही इस सहयोग लई इत्थे पहुँचे हैं। असी समझते हाँ कि असी पूरी हुमहुमा के इस कमेटी के नाल हाँ और सदा ही खड़े रहांगे। सत्कारयोग श्री शीतल विज जी, राजेश विज जी, परविंदर बैल जी, तो होर सारे प्रबंधक कमेटी के मैंबर, उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सानू इत्थे बुला के सम्मान बख्शा आ। तो असी अपने प्राचीन त्रिवेणी महावीर मंदिर वालों एक भव्य लंगर लगावे उत्थे। साडे शीतल विज जी साडे हिंदू धर्म के भीषम पितामह ने, तो असी उन्होंने सिपाही हाँ, असी उन्होंने सिपाही हाँ। तो असी जदों भी सानू देवी तलाब मंदिर वालों राजेश विज जी का फोन आता है, जदों भी सानू राजेश विज जी का फोन आता सानू उन्हां दी हुकम हुंदा, हर वारी असी लंगर लाउणे आ, कोई भी फंक्शन कोई भी होवे। तां इस वारी भी फिर सारी शीतल विज का धन्नवाद करते हैं कि ये सानू असी एक अमरनाथ यात्रा वास्ते 40-45 दिन लंगर लाउणे आ पठानकोट रोड ते रायपुर, उन्हां दे आशीर्वाद नाल ना लगता आ, ते उन्हां वास्ते असी इन्हां दा धन्नवाद हर वारी करते हैं। ते इस वारी भी असी शीतल विज जी लंगर लगा रहे हैं 26 तरीक तो, ये सारे शहर वासियों भी सारे मंदिर कमेटियां भी बेनती करांगे पठानकोट रोड से अमरनाथ यात्रियों वास्ते ही लंगर लाए दा, सारे इत्थे चरण पा के ते दर्शन दिओ जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी, जय श्री राम। रामनौमी के उपलक्ष्य के जिहड़े तुहाडे सहयोग के नाल 9 तरीक नूं एक महान शोभा यात्रा श्री देवी तलाब मंदिर तो निकाली जा रही है, मैं तुहानूं दसना चाहना शोभा यात्रा है तुहाडे सहयोग के नाल निकाली जा रही है। वो जिहड़ी साडी अखंड जोत चल रही है वो करेगी, और पिछे साधु समाज होएगा, और पक्कियां भेटा दियां नाल जिहड़े मंत है वो चलणगे। तुहानूं सारिआं नूं अपील की जाती है जिन्नी मंदिर कमेटियां उन्हां रथ सजा के लिआ, बड़े अच्छे अच्छे जिहड़े लोग उहदे ते पुष्प वर्षा करन, और बड़ा अच्छा माहौल बने। असी जिहड़ियां भी झाकियां भी कीतियां जिहड़ियां बाहरों भी आ रहीआं वह सारियां पैदल साडे नाल चलणगीआं, असी भी तुहाडे नाल पैदल चलांगे, तुसीं साडे नाल पैदल चलो। कोशिश करो जे हो सके तो अपने परिवारों नू नाल लैके आओ, क्योंकि जिहड़ी है पंडित जी जिद्दां दस्सिआ आपां इक परिक्रमा भी कर लईए ना तो अपने सारा कष्ट कट्टे जांदे आ। सो मैं तुहानूं सारिआं नूं अपील फिर करदा अपने प्रधान शीतल विज जी वालों, कैशर साहब वालों, भी तुसीं इस जिहड़ा बड़ा वड्डा समागम जिहड़ा 2 साल बाद हो रिहा इहदे विच सम्मिलित होवो। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राम। अगों चेले साढ़े बाबा जी भी नाल आए हैं, केशव दास जी मंत्री और बाबा किशोर जी, इन्हों का इत्थे आने ते बहुत कोटि कोटि प्रणाम ते स्वागत है। क्योंकि देवी तलाब मंदिर प्रबंधक कमेटी नाल संत समाज का दी अगवाई दे विच ही चलना, बाबा जी नूं करनगे कॉन्टैक्ट किस तरह बाबा जी उसी शोभा यात्रा की अगवाई करनी है।
दो बजे तो पहला तुसी जिस तरह अगे आके विराजमान होंदे हो सारे संत समाज नूं दी जिम्मेदारी तुहाडी है केशव दास जी दी है कि उन्होंने सूचना देना और उन्होंने बुलाना। बाबा जी कोई भी साडा आदरणीय संत समाज वांझा ना रह जाए जिहड़ा देवी दला उस दिन ना पहुँचे। ये जिम्मेदारी बाबा जी अगे भी तुहाडी हुंदी है इस वारी ज़्यादा क्योंकि दो साल बाद पंडोरी वाले बाबा जी तक भी तुसी ना उन्होंने लैके आना और हुशियारपुरों और सारे पंजाब चों जितने संत ने कम से कम इस बार 50 संतां दे नाल असी जाना और जिन्होंने रथां ते तुसी जाना और सारी परिक्रमा तुसी पूर्ण करनी है जिस तरह से अगे कर लिया है। इस बार 3 साल की कसर जड़ी है वो इस बारी तुसी बाबा जी थोड़े चरणों बेनती है कि तुसी उन्हों पूर्ण करना जिस तरह बाबा किशोर जी अपनी संगत पैदल लैके आते हैं उस तरह बाबा जी कम से कम 2-4 हज़ार लोग आके शोभा यात्रा की शोभा वधाउण दी तुसी ये जिम्मेदारी तुसी लवो। आज अहो भाग्य है कि हम सभी इकट्ठे बैठे हैं। एक बात बता दूं, प्रधान जी ने कहा है कि 3 साल से शोभा यात्रा नहीं निकला। वाक्य ही सभी धर्म प्रेमी हैं, अपना अपना कर्तव्य सभी निभाएं तो उस दिन पता लगे कि कम से कम हजारों नहीं लाखों के संख्या में लोग घूम रहे हैं। 10 किलोमीटर के एरिया में लाइन टूटनी नहीं चाहिए। घर में कोई अपने समेत बीवी बच्चों को सबको ले आए और पता लगे कि धर्म हमारा जो है जैसे हमें उन्होंने ड्यूटी लगाई है प्रधान जी, हम लोग जितने संत समाज के लोग हैं जितना भी हो सकता है उससे 4 गुना बढ़ के इस साल करेंगे, 4 गुना बढ़ के इस साल करेंगे जितना भी हो सकता है हमसे, क्योंकि अगर हम नहीं चलेंगे तो बाकी कैसे चलेंगे। हम संत सभी सबसे आगे और अपने अपने आश्रम से सभी संगत को लेके पैदल, बहुत खुशी की बात है कि पैदल चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपनी तरफ से हर साल सैकड़ों के तादाद में आते हैं पैदल, बहुत अच्छी बात है कि कोई गाड़ी नहीं चाहिए, कोई घोड़ा नहीं चाहिए, हम लोग पैदल ही आएंगे, अपने 100-200 आदमी झंडे लेके आगे होंगे, उसके बाद आगे एक महाबली हनुमान जी झंडा लेके आ गए, उसके पीछे और झंडे वाले होंगे, फिर कीर्तन वाले होंगे और हम लोग संत बीच में होंगे, हम लोग भी पैदल चलेंगे, कोई रथ नहीं चाहिए, महाराज श्री के लिए रथ चाहिए, महाराज जी चलने बुजुर्ग हो गए हैं, महाराज जी के लिए रथ चाहिए, हम सब संत पैदल ही चलेंगे। तो संतों का जरा महाराणी को भोग लगा के संतों का भोग लगाओ क्योंकि महाराणी के भगतों की भक्ति तुसी करनी है वो सब तो वड्डी है। महाराणी उदों खुश होंदी है जदों उहदे भगतां दी भगति कीती जावे, उहनां दे मूँह विच लंगर जावे। तुहानूं बेनती है देवी तला मंदर प्रबंधक कमेटी वालों कि भी अपने वालों भी अपने साथियों वालों भी होरां भी लोकां तों इह इंतजाम जलदा ही, भावें लंगर लगाओ कोई भी लंगर लगाओ। जय माता। परम अध्यक्ष प्रात परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी, आदरणीय पूजनीय प्रातः स्मरणीय सतगुरु बाबा लाल दयाल जी महाराज, विद्वत समाज, श्री शक्तिपीठ देवी तलाव के प्रधान जी शीतल बीज जी, राजेश बीज जी महामंत्री और खजांची साहब हमारे बड़े अच्छे हैं बैठे हैं, और सभी मेंबर जो भी सेवादार हैं सब सराहनीय हैं, और मंदिर मंदिर से सब आए हुए प्रधान सेक्रेटरी कार्यकर्ता जो भी आए हैं सब माननीय हैं, और सबके मतानुसार ये शोभा यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। तो भगवान श्री राम ने जो कुछ भी हमें दिया है, जो कुछ भी हमारे पास है सब परमात्मा का है। हम लोग सिर्फ व्यवस्थापक हैं, व्यवस्था करते हैं,
वैसे तो देखा जाए तो हमारा कुछ नहीं है, सब उन्हीं का दिया हुआ है। इसलिए माताओं बंधुओं बहुत बढ़िया बात कही है हमारे स्वामी जी ने, बहुत बढ़िया बात। इसलिए अन्नदान की बड़ी महिमा है और अन्नदान कहाँ होना चाहिए, राम जी के शोभा यात्रा में, और जो भी उसमें शामिल होता है सभी सराहनीय हैं, पवित्र हैं, पवित्र आत्मा ही शामिल होंगे, पहले जैसे मर्जी हो, लेकिन जब शोभा यात्रा में शामिल होता है तो पवित्र हो जाता है। इसलिए इसमें बढ़ चढ़ करके सब धनाढ्य लोगों से और जो हमारे जैसे गरीब हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि सभी मिल करके बढ़िया से बढ़िया जो जिस लायक है उस अपने शक्ति के अनुसार लंगर का प्रबंध किया जाए, बढ़िया से बढ़िया, और चलता रहे, सबके लिए लगे, आखिरी तक रहे, थोड़ा ही सामान बना लो लेकिन आखिरी तक चले, इतनी हिम्मत रखो तब जो हमारी शोभा बढ़ेगी। और भगवान की शोभा तो सदा ही शोभा ही शोभा है, हमने अपना शोभा बढ़ाना है, अपना जीवन बनाना है। और सबसे सुंदर किसी को देखिए ना सभा में, ज़्यादा सुंदर तो सुंदर पता क्या होता है, हमारे पंडित जी खड़े हैं सामने, अन्नदान से सुंदर शरीर मिलता है, बहुत रूपवान आदमी बनता है अन्नदान से। और अन्नदान जो है सब दानों से कलयुग में सबसे श्रेष्ठ है कि अन्न के बिना प्राण नहीं है। पहले तो जी जाते थे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में हजारों हजारों साल जी जाते थे, लेकिन इसमें तो अन्न में ही प्राण है, अन्न से ही जीते हैं। इसलिए अन्न इस शरीर को चलाने वाला है, तो हमें बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेना है। इसलिए माताओं बंधुओं ये आपका जलंधर जो है बड़ा मशहूर है, और श्री देवी तलाव ने प्रांगण के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में नाम है।